Hi everyone, welcome back to the channel. And आज का वीडियो another vlog from India. And last vlog अगर आप लोग फॉलो किए तो आपको पता होगा हम लोग दिल्ली पहुँच गए हैं एंड आज का जो ब्लॉग है फैमिली के साथ है एंड आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे. तो ये हम लोग का नेक्स्ट प्लेस है. हम लोग दिल्ली आ गए हैं. नोएडा में रहते हैं मेरी दीदी, तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं. घर में हम लोग कुछ दिन स्पेंड किए. जेट लैग था, टायर्ड हो गए थे हम लोग, और तो काफ़ी ऐसे ही चला गया. तो हम लोग प्लान किए थे कि कहीं पे आउटिंग जाएंगे, तो हम लोग अभी आउटिंग के लिए निकल गए हैं जिम कॉर्बेट. एंड मॉर्निंग को ही हम लोग 6:30 को निकल गए थे. तो ये हम लोग का ब्रेकफास्ट स्टॉप है. लास्ट फ्यू डेज हम लोग जो दिल्ली में रहे, मैं थोड़ा शॉपिंग की, मेरी लॉस आए थे. सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ये ब्लॉग मैं सोची कि फैमिली के साथ एक अच्छा सा ट्रिप था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. ये प्लान हम लोग का नहीं था कि हम लोग कहीं जाएंगे, बट सोच रहे थे, बट टाइम लिमिट था. पहले हम लोग सोचे कश्मीर जाएंगे, फिर हम अंडमान जाएंगे, फिर हम लोग को लगा कि राम मंदिर है तो वो देख के आएंगे, बट बच्चों के साथ कन्वीनियंट नहीं लगा. और टाइम लिमिटेशन के चलते हम लोग सोचे कि जिम कॉर्बेट पास है, हम लोग चलते हैं. हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम है, बट मेरी फैमिली पहले से भी आके जा चुके हैं यहाँ पर घूम के. अच्छा लगता है, सो लेट्स सी कि कैसा रह रहा है हम लोग का ट्रिप. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रिप कि हम लोग खाना बहुत अच्छे से इन्जॉय किए हैं. हम लोग मतलब इतना खाना खाए, थ्रू आउट द ब्लॉग आपको खाना ही देखने को मिलेगा. ये ढाबा अच्छा था. पूड़ी, ये सब्जी आया था, उसके साथ डोसा आया था, उसके साथ कटोर चाट आया था, पानी पूरी आया था. सब कुछ हम लोग चटापट खा लिए क्योंकि घर से हम लोग भूखे निकले थे, तो कुछ खाए नहीं थे, चाय वगैरह भी नहीं किए थे, तो ऐसे ही निकल आए थे. एक टेम्पो हम लोग बुक किए थे एंड ये 12 सीटर का था, तो हम लोग सब मिल के अभी चलेंगे जिम कॉर्ब. मॉर्निंग अराउंड 6:30 to 7 ही हम लोग निकले एंड यू नो हम लोग वन टाइम ही ब्रेक लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए. एंड हम लोग पहुंच गए थे जो जिम कॉर्बेट. हम लोग एक रिजॉर्ट लिए थे, ये है अनंतम रिजॉर्ट करके. बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे स्टे जो है. आगे हम लोग देखेंगे इनका हॉस्पिटलिटी कैसा है, रूम कैसा है, एवरीथिंग. वी रियली लाइक्ड इट और काफ़ी अच्छा स्टे रहा हम लोग का. हम लोग को ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 5 hours लग गया था, 6 hours अगर ब्रेक को लेके. तो हम लोग पहुँच गए थे अराउंड 12:30 or 1 ऐसे ही, और लंच का टाइम हो गया था. और हम लोग क्या किए थे, पूरा पैकेज ले गए थे 3 days का, यू नो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स भी इंक्लूडेड था. तो काफ़ी अच्छा डिसीजन था वो. टोटल हम लोग 3 rooms लिए थे एंड जैसे कि मैं बताया कि फूड पैकेज ऐड की, तो थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे. ये जो वेटिंग एरिया है बहुत ही सुंदर था यहाँ पे, एंड उसके साथ वेलकम ड्रिंक्स भी वो लोग दिए थे. हम लोग यहाँ पे 3 room ही लिए थे एक बिल्डिंग में, जैसे कि 3 room था यहाँ पे हम लोग का. है ऊपर एक है और नीचे का एक था, तो ये हम लोग का रूम था. एक टूर देती हूँ हम लोग को. ऐसे ही आप अंदर जाएंगे तो वन साइड बाथरूम है एंड वन साइड ये थोड़ा सा कैबिनेट टाइप का है. यहाँ पे लिविंग एरिया जैसे सोफा लगा हुआ है एंड आप ऐसे ही राइट मुड़ेंगे तो यहाँ पर बेड है, उसके साथ TV है. बहुत ही अच्छा लगा इनका जो स्टाइल था. यहाँ पर एक सोफ़ा के साइड में आप लोग देख सकते हैं प्राइवेट पूल टाइप का है. आप अगर कॉल करें तो यहाँ पे पानी वो लोग फील कर देंगे. काफ़ी अच्छा लगा, बट हम लोग यूज़ नहीं किए क्योंकि हम लोग स्विमिंग पूल पे सब गए हुए थे. एंड यहाँ पे थोड़ा सा यू नो पैटियो जैसा है.
काफ़ी लेट हो गया था, लंच टाइम हो गया था, उनका टाइमिंग था, उस टाइम पे आप जाएंगे तो खाना अच्छे से मिल जाएगा आपको। आफ्टर दैट का पता नहीं, क्योंकि हम लोग ऑन टाइम पहुंच जाते थे, तो हम लोग लंच करने के लिए आ गए थे थोड़ा बहुत फ्रेश होके। बुफे था, पूरा वेज मेन्यू था, बहुत ही अच्छा लगा। ऑर्डर करेंगे तो नॉन वेज लोग सर्व कर रहे थे, तो वैसे भी हम लोग का वेज डे ही काफ़ी दिन था, तो हम लोग ऐसे ही काफ़ी एंजॉय किए जो खाना। एंड रियली मैं बताऊँ तो इस रिजॉर्ट का अच्छा थिंग था, खाना बहुत ही हम लोग एंजॉय किए हैं। अप्रैल का मंथ है एंड पूल मिल गया बच्चे को, दिया लाइक सो एक्साइटेड, काफ़ी एंजॉय किए वो लोग। मम्मी पापा सोने के लिए चले गए एंड हम लोग आ गए हैं पूल में। अब मैं आर्यांश के साथ थी एंड मैं पानी में नहीं गई हूँ, बट बच्चे काफ़ी एंजॉय किए हैं। आफ्टर पूल हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट लिए, चिट चैट ऐसे किए, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम लोग मिले थे, ऐसे ही बैठे थे आराम से, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज मुझे लग रहा था जेट लैग था, मैं सो रही थी या फिर बच्चे सो रहे थे, ऐसे कुछ चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम स्पेंड किए बहुत ही अच्छा टाइम था। गर्मा गर्म पकौड़ा, उसके साथ चाय, कुकीज़, मिल्क बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड तभी ना यहाँ पे मंकीज बहुत थे, तो वन मंकी, एक ही मंकी आया था, ये पूरा आके पूरा हम लोग यहाँ से, हम लोग तो डर के सब चले गए थे, बट वो आराम से अपना जो स्नैक्स है ना बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। इवनिंग को ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग बच्चों के साथ चले गए थे, थोड़ा बहुत इवनिंग को वॉक, उसके साथ बच्चों को मिल गया उनका प्ले एरिया, पूरा लाइट्स लगे हुए थे एंड इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यू नो हम लोग जैसे कि अप्रैल में हम लोग गए थे, तो ठंड लग रहा था थोड़ा बहुत इवनिंग को, इवन अर्ली मॉर्निंग को। एंड फाइनली हम लोग का डिनर का टाइम हो गया है, हम लोग आ गए हैं फिर से खाना खाने के लिए। मैं जैसे कि बताई हम लोग यहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए ही जैसे लगा हम लोग को, एंड खाना बहुत अच्छा था, तो काफ़ी एंजॉय किए हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं सूप था, उसके साथ ही ना लाइव म्यूजिक था, तो हम लोग गाना भी एंजॉय किए उस रात, एंड इट वॉज़ रियली गुड। वन डे हम लोग का, जैसे कि हम लोग पहुँचे और लंच स्नैक्स एंड डिनर हो गया, नेक्स्ट डे हम लोग का प्लान था कि हम लोग मॉर्निंग सफारी में जाएंगे, तो उसके लिए जल्दी उठना है, तो डिनर ख़त्म करके हम लोग सो गए थे उस दिन। गुड मॉर्निंग, आज हम लोग जिम कॉर्बेट में हैं, अभी रात को सो गए थे, अभी उठ गए हैं 4:30 को एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी में, तो चलिए मैं लेके चलती हूँ हम लोग को। एंड फॉर टुडेज आउटफिट मैं ये पहनी हूँ, जीन्स के साथ एक टी शर्ट है, और ये जो टी शर्ट मुझे TJ Maxx में मिल गया था, यू नो परफेक्ट फॉर दिस सफारी टूर। मैं अपने लिए और मेरे नेज के लिए दोनों के लिए मैचिंग की थी एनिमल्स प्रिंट का, एंड बहुत क्यूट लग रहा था। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको मंकीज तो देखने को मिलेगा ही यहाँ पे, एंड बच्चे बहुत खूबसूरत हैं मंकीज देख के यहाँ पे। एंड जैसे कि मैं बताई सफारी हम लोग बुक कर लिए थे पहले से ही, तो सफारी का जो गाड़ी था बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग पहली बार सफारी कर रहे हैं, स्पेशली मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग किए नहीं थे, इवन देवांश के लिए भी न्यू है। एंड लकीली क्या हुआ था, देवांश, आर्यांश और मेरे हस्बैंड के लिए मैं विंड जैकेट पैक कर ली थी, बाकी हम लोग कोई नहीं लिया था, काफ़ी कोल्ड था तभी। एंड आर्यांश जैसे कि मॉर्निंग से उठा था, उसको नींद आ गया था, सो गया था वो, द बेस्ट थिंग कि हम लोग सनराइज़ का व्यू देखे, इट्स सो ब्यूटीफुल।
ऑलमोस्ट हम लोग 4 आवर्स स्पेंड किए यहाँ पे, एंड मॉर्निंग को हम लोग को चाय भी मिल गया। एंड टाइगर किल देखने के लिए सबको ही आता है यहाँ पे, बट टाइगर जितना मुझे पता है नहीं दिखता है इतना जल्दी। बट हम लोग बच्चे खुश हो गए, डियर देखने को मिल गया, एंड यू नो पिकअप मिल गया देखने के लिए। एंड देवांश भी बहुत खुश हो गया चिकन देख के भी, सो इट वॉज ए गुड सफारी फॉर अस। मुझे अच्छा लगता है हमेशा मॉर्निंग में कहीं भी निकल जाना मुझे अच्छा लगता है। एंड मुझे ये फॉरेस्ट का जो घूमना, ये जीप जो सफारी वाला गाड़ी था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सनराइज़ देखे, इट वाज गुड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पिकअप आपको कहीं पे भी रास्ते पे मिल जाएंगे देखने के लिए, बच्चे काफ़ी एंजॉय किए। एंड हम लोग आ गए थे रिजॉर्ट पैक, एंड हम लोग तुरंत से ही ब्रेकफास्ट कर लिए थे। बेस्ट ब्रेकफास्ट था, गरम गरम पूड़ी, डोसा, बड़ा, उत्तपम और सांभर वगैरह था। बट मैं क्लिप्स पता नहीं क्यों नहीं ली हूँ, शायद हम लोग हड़बड़ी में खाना खा लिए थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत हम लोग नहाना एंड पूल में थोड़ा बहुत एंजॉय किए बच्चों के साथ। एंड फिर हम लोग लंच पे आ गए थे। लंच हम लोग रेडी होके आ गए हैं कि हम लोग यहाँ से ही हम लोग निकलेंगे और एक जगह पे कॉर्बेट फॉल है करके। एंड खीर था यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, बच्चों के लिए आइसक्रीम था। खाना जैसे कि बहुत ही यम था मुझे लगा, हम लोग काफ़ी एंजॉय किए यहाँ पे खाना जो था। यहाँ पे देखने के लिए जिम कॉर्बेट एक फॉल है, एक टेंपल है, तो दोनों ही ना डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो बच्चे फॉल जाने के लिए बोले तो हम लोग निकल गए हैं। आफ्टर लंच था तो आर्यन सो गया था, पापा नहीं गए थे, पापा स्टे किए थे रिजॉर्ट में। एंड अभी हम लोग ऐसे ही निकल गए हैं देखने के लिए वाटरफॉल। और यहाँ पे देखिए हम लोग जो जिम कॉर्बेट वाटरफॉल इको पार्क है, यहाँ पे पहुँच गया है। कुछ बंद होने वाला था पर लकीली संभव वो ओपन था उस दिन, 5 o'clock बंद हो जाता है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम मिल गया देखने के लिए। बच्चे बहुत खुश हुए वाटरफॉल देख के। यहाँ पे देख सकते हैं स्विमिंग पूल एरिया है, आप आराम से नहा सकते हैं। बट टाइमिंग जैसे मैं बताई कि क्लोज हो गया था तो हम लोग को नहीं मिला, वैसे भी हम लोग नहीं नहाने वाले थे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटीफुल वाटरफॉल। बच्चे काफ़ी एंजॉय किए, वाटरफॉल है, हम लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता। बहुत दिन के बाद हम लोग आए। एंड कुछ पत्थर वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर था, तो बच्चे वही सुवेनियर काइंड वो लोग कुछ रख रहे थे। एंड अभी हम लोग का हो गया वाटरफॉल। एंड जब हम लोग आ रहे थे तभी एक हनुमान टेम्पल हम लोग को दिखा ऑन द वे टू द वाटरफॉल, तो हम लोग सोचे जाते वक्त हम लोग होके जाएंगे। तो हम लोग टेम्पल आ गए हैं। हम लोग जब आए ना सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा और इतना सुंदर टेम्पल होगा। ये नैनीताल रामनगर टेम्पल है, हनुमान टेम्पल। अगर आप कभी विजिट करें डू विजिट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग बहुत आराम से अच्छे से दर्शन किए, भगवान जी का आरती चल रहा था। अंदर फिल्म करना मना था तो मैं अंदर का कुछ क्लिप्स नहीं ली हूँ, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल टेम्पल, बहुत ही अच्छा लगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ द सेकेंड डे। हम लोग का काफी अच्छा दिन था।
फिर हम लोग आए, डिनर का टाइम हो गया था, भूख नहीं था बट हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कुछ कुछ खा लिए। एंड नेक्स्ट डे हम लोग को उठ के निकलना था आफ्टर ब्रेकफास्ट। एंड नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के लिए फिर से हम लोग आ गए यहाँ पे। जैसे मैं बताए, खाना ही खाना, हम लोग 3 दिन ना इतना इन्जॉय किए हैं खाना, एंड वैरायटीज था तो काफ़ी इन्जॉय किए। बच्चों को भी ऑप्शन मिल रहा था कि ये नहीं तो वो खा लें करके। लास्ट व्लॉग में क्वेश्चन आया था कि आर्यांस क्या खाया, तो आर्यन सब कुछ खाता है। मैं तो बोलूँगी बेटर देन देवांश है, देवांश चूजी है, पूरी में पिकी टर है, बट आर्यन सब कुछ खाता है। जैसे कि बच्चों को इडली हो गया, डोसा हो गया, एंड यू नो बड़ा हो गया, और नूडल्स अच्छा लगता है, नान अच्छा लग जाता है देवांश को, तो सब कुछ खा ले रहे थे बच्चे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था खाने में। एंड यहाँ का जो ब्रेकफास्ट था हम लोग का फेवरेट हो गया, बहुत ही अच्छा था ब्रेकफास्ट। एंड हम लोग बात करके आराम से सब कोई रेडी हो गए हैं, अभी रेडी हो गए निकलने के लिए बैक टू होम। और काफ़ी अच्छा स्टे था, अनंतम रिजॉर्ट करके है ये, नैनीताल और जैसे कि जिम कॉर्बेट के पास ही है। एंड अच्छा लगा। बट हम लोग जब सफारी के लिए गए ना, तो अगर आप रहना चाहते हैं तो बहुत अंदर भी, यू नो फॉरेस्ट एरिया में भी बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं। हम लोग ऐसे ही सर्च किए एंड हम लोग यहाँ पे आ गए रहने के लिए। बट हम लोग को यहाँ पे स्टे काफ़ी एंजॉय, स्विमिंग पूल था, बच्चे एंजॉय किए, और हम लोग को और कुछ प्लान नहीं था, बस रहना था, खाना एंजॉय करना था, और एक बार सफारी जाना था। उसके साथ हम लोग वाटरफॉल गए एंड यू नो जो हनुमान टेम्पल द बेस्ट, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। एंड दैट्स द एंड, हम लोग का जर्नी यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग फिर निकल जाते हैं घर के लिए। ऑन द वे यू नो गुआवा दिख जाता है, बहुत दिन की बात खाने के लिए ऐसे फ्रेश, तो वो हम लोग ले लिए। इंडिया जा रहे हो तो थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखे ना, खाना जो है ना सब कुछ एंजॉय कर लेना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे से खाना खाए, स्पेशली ये जो टाइम था ना रिजॉर्ट का, हम लोग सब कुछ एंजॉय किए हैं, पूरा खाना। आते वक्त बहुत सारा जैसे कि राम जी, शिवाजी, कुछ कुछ ढाबा सब कुछ था, तो हम लोग कहीं पे उतर गए थे लंच करने के लिए। एंड द बेस्ट लंच था, लस्सी वहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर फैमिली ट्रिप टू जिम कॉर्बेट। होप आप लोग भी एंजॉय किए होंगे ये ब्लॉग। चलिए मैं मिलती हूँ और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।